चाहती हूँ। ये कह रही है कि मेरे 18 ईयर ओल्ड सिस्टर है जिनकी अभी भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, और वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं, गुजरात से है ये। जी, ये समस्या काफ़ी लोगों में पाई जाती है, खासतौर पर 12-13 साल की उम्र तक जिन बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है, दैट्स वेरी कॉमन। तो उसका भी उपचार सब योग में ही है, और आप पहले तो निश्चिंत हो जाइए क्योंकि बहुत वो भी हो सकता कहीं किसी को घर जाना है, बाहर जाना है, तो बच्चा अवॉइड करता है कि मुझे नहीं जाना, किसी रिलेटिव के यहाँ भी नहीं जाना। तो अब आप परेशान मत होइए क्योंकि डी जागरण के माध्यम से आपको आप सही जगह पहुँच गए। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जामुन की गुठली आपको लेनी है। अक्सर जामुन खा लेते हैं, गुठली फेंक देते हैं, लेकिन गुठली के भी बड़े गुण हैं। जामुन की गुठली लीजिएगा और उसको पीस करके पाउडर जैसा उसका बना लीजिए, बस थोड़ा सा, और इसको रख लीजिएगा एक शीशी में डाल करके, या फिर औषधि जैसी तैयार हो जाएगी। इसको आपको थोड़ा सा पानी के साथ खा लीजिए, जैसे दवाई खाते हैं, रोज खा लीजिए, सुबह खा लीजिए, दोपहर किसी भी वक्त खा लीजिए, लेकिन अपना समय निश्चित कर लीजिए, या तो सुबह खाऊंगा या दोपहर को खाऊंगा, और बस इसको मुंह में रखा थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना। ये काम तो आप करेंगे कुछ दिन रेगुलर। दूसरा काम जो आपको करना है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके साथ ये समस्या बेड वेटिंग की होती है, उनको अक्सर सोते समय ऐसा लगता है कि या तो सपना आता है या कहीं मन में ऐसा विचार आता है कि मैं टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ और यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। सोने से पहले 16 बार आप अपने आसन में बैठेंगे और ओम का उच्चारण जरूर करेंगे, ये तो आपको करना ही करना है। फिर जब आप सोएंगे तो आपको जैसे ओम का उच्चारण आपने 16 बार कर लिया, उसके बाद बैठ करके ऑटो सजेशन देनी है, थोड़ा सा सेल्फ टॉक अपने आप से बात कर लेंगे, और अपने आप से ये बात करनी है कि मुझे बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ सोना है। नींद की भी बहुत बड़ी फिलोसफी है, उसकी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, तो मुझे कॉन्शियस माइंड के साथ सोना है। और जैसे ही मुझे लगा कि मुझे टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है, यूरिन डिस्चार्ज की इच्छा हो रही है, वैसे ही मुझे उठना है और टॉयलेट जाना है, यानी बिस्तर गीला नहीं करना है। ये दो सेंटेंसेस आपको अपने आप से कम 16 बार तो रिपीट करने ही है, और उसके बाद आप सोएंगे। और फिर दूसरा काम आप ये कीजिएगा कि सोने से पहले जब आप लेट जाएंगे तो फिर चंद्र ध्यान, क्योंकि वो लेते लेते ही होना है सोने से पहले, उसका अभ्यास करें, उसकी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र ध्यान का अभ्यास करें और सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार और सूर्य ध्यान जरूर जरूर करें। बस फिर देखो ये समस्या दूर भाग जाती है, और फिर मुझे बताना जरूर फोन करके कि समस्या दूर हुई या नहीं। बिल्कुल, और ये सोशल प्रॉब्लम ना मान के, सोशल स्टिग्मा के रूप में जो ले लेते हैं उसको ना मान के, इनफैक्ट वाई डज इट हैपन, क्या गॉड डेटर कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है? इसका सबसे बड़ा ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता, या फिर कभी कभी ये आपके मन की स्थिति से भी होता है। यानी कहीं आप जैसे कुछ लोग होते हैं गुस्सा बहुत आ जाता है, मन कमजोर है, ऐसे ही मन कमजोर है तो सोते समय पता ही नहीं चलता है कि मुझे उठना भी है। कभी कभी आपका शरीर इतना कमजोर है कि नींद आने के बाद आपको ये एहसास ही नहीं होता कि मैं उठ भी जाऊं, इतना आप सोने में थक जाते हैं। ये कई कारण उसके हो सकते, तो इसको बहुत ज्यादा अपने मन में ना लेकर देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल, तो जो बताए हैं प्रतिष्ठा जी ने जरूर करें। इनफैक्ट समाधान में हमारा यही प्रयास है, जैसा कहा इन्होंने भी, डी जागरण का ये एक ऐसा मंच है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, इनफैक्ट एक ऐसा दोस्त के रूप में आपके साथ है जहाँ दिल का हर जो सवाल है वो उसका जवाब मिल सकता है। आपको कुछ और कुछ नहीं करना, फोन तो आप कर ही सकते हैं, अदरवाइज आप